द्वारा बड़ी संख्या में पड़ाव डालकर अतिक्रमण किए जाने के अंदेशे के चलते उन्हें तुरंत वहां से बेदखल किए जाने की मांग को लेकर हिंदू आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के अनुसार फलोदी कृतम झील समक्ष पाकिस्तान में राजस्थान प्रवेश कर फलोदी पहुंचे कई परिवार यहाँ बिना किसी आईडी वेरिफिकेशन के अतिक्रमण कर एक छोटे मोटे गांव का रूप देने लगे हैं, जिसे तुरंत प्रभाव से हटाने की कार्रवाई करने को लेकर हिंदू आर्मी के फलोदी अध्यक्ष ललित कुमार रंगा के नेतृत्व में सदस्य द्वारा ईडीएम हाकम खान को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जहां से ये शरणार्थी अतिक्रमण कर बैठे हैं, वो जमीन नदी का बहाव क्षेत्र है, जो निकट भविष्य में बड़े हादसे को खुला निमंत्रण है। हिंदू आर्मी ने अपने ज्ञापन में बताया कि फलोदी मूल के लोग जो जन्म से यहां रहते आ रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के साथ भारतीय नागरिकता के सारे प्रूफ है, फिर भी कई परिवार आज भी किराए के घरों में निवास करने को मजबूर है। ऐसे में इन पाकिस्तानी शरणार्थियों का अतिक्रमण न्याय उचित नहीं। मातरम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है हिंदू आर्मी टीम फलोदी द्वारा और सभी गौ भक्तों द्वारा कि जो अभी फलोदी में स्थानीय जो निवासी हैं कुछ ऐसे हैं जिनको घर से बेघर हैं, जिनका राशन पानी का भी व्यवस्था नहीं है, उनको तो उचित व्यवस्था प्रशासन नहीं दिला रही और जो बाहर से शरणार्थी आयु है पाकिस्तान से, वो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं झील के पीछे और पद्म सिंह जी भूमि जी मंदिर है उसके पीछे। कल ना कोई बहाव में बह गया पानी के साथ में या कोई घटना हो गई तो उसकी जिम्मेवारी कौन प्रशासन लेगा, इसलिए प्रशासन से निवेदन है अवैध अतिक्रमण वहाँ से हटाया जाए। जब वहाँ पर जाते हैं हम लोगों को समझाने के लिए कि ये उचित व्यवस्था नहीं है, कल आपको घटना हो जाएगी तो प्रशासन के ऊपर आ जाएगी, लेकिन वो गाली गलौज करते हैं।